वेलकम बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, होल नंबर। हालांकि ये वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो फर्स्ट जो है आपका उसमें डाल रखा है, लेकिन उसमें और भी चीजें थी तो मैं सोच रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो इसका बनाया जाए, क्योंकि इस टॉपिक पे पूरा आपका चैप्टर डिपेंड करता है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसमें। ठीक है, नंबर नंबर से बात करेंगे और कौन सा फ्रैक्शन किससे रिलेटेड है उसमें भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है बच्चों, जैसे आपका ये एक्सरसाइज 2.3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पूरा इसी टॉपिक पर डिपेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्यारे बच्चों, एक आपका न्यूमरेटर होता है, एक आपका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, न्यूमरेटर आपका जब स्मॉल हो, ठीक है, और डिनोमिनेटर आपका क्या हो, लार्ज कह लीजिए, ग्रेटर कह लीजिए, की बात है। ठीक है, तो मैं यहां पर ग्रेटर लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटर, या स्मॉल और ग्रेटर, कुछ भी समझ लीजिए, बता थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि ये छोटा हो और ये बड़ा हो। ठीक है, मैं यहां पर स्मॉल और लार्ज भी लिख सकता हूं। ठीक, ये होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल दे अगर आपको दूं तो क्या होगा, 2/3 होगा, 4/6 होगा, ठीक है, 9/7 होगा, 5/6 होगा, इस तरह से। ठीक है, 7/10 होगा, 11/13 होगा, 14/15 होगा, इस तरह से आपका ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, ये नंबर आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, 10/15 कर लीजिए, ये सभी आपके क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इसमें भी आपका एक डिनोमिनेटर होगा, एक आपका एक न्यूमिनेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। इसमें क्या होता है, ये प्रॉपर का जस्ट अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कैसे, इसमें न्यूमिनेटर क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा, क्या होगा, ग्रेटर होगा, और आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, इस तरह से, या कह सकते हैं ये आपका लार्ज होगा, ये स्मॉल होगा। ठीक है, जरा फ्रैक्शन देखते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं। तो 10/3 जैसे आपका 3 हो गया, ठीक है, 15/7 हो गया। अब सारे जो ऊपर के नंबर है, जो आपका न्यूमिनेटर है वो आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 16/5 हो गया, 17/9 हो गया, ठीक है, 18/7 हो गया। ये सारे आपके क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही हम क्या निकालते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, आप देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन का पहचान क्या है, एक नंबर आपका यहां पर होगा, एक नंबर आपका न्यूमेरेटर में होगा और एक नंबर आपका डिनोमिनेटर में होगा। ये आपका होल नंबर है, ये आपका, ठीक है, ये आपका न्यूमेरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इस टाइम में आपको कुछ फ्रैक्शन दी जाएंगे। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर से मिक्स में चेंज करते हैं और मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए आप, अब मैं चेंज करके बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपका ये हो गया इम्प्रॉपर, प्रॉपर और मिक्स्ड, ये हो गया आपका। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए आप, ये सभी आपके क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इस फॉर्म में होते हैं। ये सिंपल फ्रैक्शन होती है, उसके बाद भी बीच में एक होल नंबर और लगा देते हैं। ठीक है, इससे हम पहचानते हैं कि क्या मिक्स्ड है। देखो, देखने में लग रहा है कि हॉजपॉज थोड़ा मिक्स लग रहा है, देखिए मिक्सअप लग रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, अभी मैं चेंज करके बताता हूं। अब देखिए होल नंबर है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर ही क्या, अगर आप देख लीजिए कि नेगेटिव इंटीजर आप छोड़ दीजिए, नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आएगा। होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कहीं तक भी ये जा सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट तक। चलिए ये आपके हो गए होल नंबर। अब होल नंबर जैसे अगर हम इसमें फ्रैक्शन में देखेंगे तो आपका क्या होना चाहिए, 8/1 होना चाहिए, 9/1 होना चाहिए, ठीक है, 15/1 होना चाहिए। मीन जिसके न्यूमेरेटर में कोई होल नंबर हो आपका और जिसके डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों क्या हो, 1 हो। ठीक है,
वन मीन्स वन, ठीक है, एक। जैसे मान लीजिए मैंने ओनली 18 लिखा, तो क्या ये होल नंबर है? जी हाँ, ये भी होल नंबर है। क्यों? क्योंकि 18 लिख दीजिए या 18 अपॉन 1 लिख दीजिए, एक ही बात है। ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और होल नंबर। अब बात क्या करेंगे कि इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, तो इसका डिवाइड करिए आप। एक मैं छोटा सा यहां पर एग्जाम्पल दे देता हूं, 3 में 10 का डिवाइड करिए, 3 टाइम जाएगा ना, 3 3 9 क्या बचा, 1 बचा। जो कोशेंट होता है वो होल नंबर बन जाता है आपका, ठीक है। जो रिमाइंडर आता है वो आपका ऊपर आ जाएगा, और ये वाला सेम टू सेम वही रहता है, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 7 2 14। अब 15 में से 14 लेस करेंगे, 1 बचेगा, तो 1 आपका यहाँ आ गया और 7 का 7 आ गया, ठीक है। इस तरह से चेंज कर लेते हैं। इसमें देखिए, चलो इसको चेंज कर लेते हैं, इसका और इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 7 × 8 इसका इसका मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर वाला जो रिमाइंडर है वो आपका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। रिमाइंडर कैसे, जैसे मैंने यहां बताया था, और ये नीचे वाला सेम टू सेम रहता है, ये तो नीचे यहां भी सेम रहेगा और यहां पर भी सेम रहेगा। तो 7 8 56 + 2 / 7 तो 56 और 2 58 / 7, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 6 30 इनका मल्टीप्लाई किया, 30 आया, ऊपर वाले में ऐड कर देंगे, 30 और 1 31 अपॉन नीचे का सेम टू सेम रहेगा 5, ठीक है। इस तरह से आपके ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। मेरे हिसाब से अब आपको फ्रैक्शन आने लगी होंगे, ठीक है, कौन सी फ्रैक्शन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता करेंगे, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट हो आप लोग बताइएगा। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एक्सरसाइज देखें, मैं बार बार आपसे कहता हूं, इंट्रोडक्शन वीडियो जितने भी डले हुए हैं सारे देख जाइए, क्योंकि मैं सभी इंट्रोडक्शन वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देता हूं, ठीक है। इससे आपको काफी आसानी होती है एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। चलिए, ऑल द बेस्ट।